दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? आपके शहर में पीने का पानी ही ना रहे तो क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर की, जहाँ पर 2018 को पूरी तरीके से पानी समाप्त हो गया, जहाँ पर लोग पानी के लिए। जी हाँ, केप टाउन एक ऐसा शहर है जहाँ पर टूरिज्म और बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी एक ऐसे शहर में पानी खत्म हो गया, क्या वजह? जी हाँ, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है प्रकृति, यानी कि नेचर। केप टाउन में 2015 से और 2018 के बीच में जो रेनफॉल है बहुत ही कम हुआ, जिसकी वजह से नदियाँ, तालाब और डैम पूरी तरीके से सूख गए। इसका दूसरा रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है हमारे जैसे लोग, जिनका मकसद पानी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल है, उसका बचाव। आपको पता होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल एक ऐसी तरीके से किया जाता है जैसे कि वो फ्री हो और अनलिमिटेड हो। दोस्तों, आपको बता दें कि जब 2018 में केप टाउन सिटी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी पानी की समस्या से ग्रसित हो। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप पानी के जो इस बहाव को कम से कम इस्तेमाल करें, वरना केप टाउन जैसी स्थिति आपके शहर में बन सकती है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला समिति ने वहां पर जब पानी खत्म हो गया पूरी तरीके से, तो इस इमरजेंसी को डे ज़ीरो का नाम दिया, यानी डे ज़ीरो यानी कि पानी की इमरजेंसी। और केप टाउन दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सबसे पहले पानी की ये कमी देखी। तो दोस्तों, आपकी भी सिटी, आपका भी शहर इस तरीके की लिस्ट में शामिल ना हो, तो आप आज से ही अपने क्षेत्र के पानी को बचाएं। आज के टाइम की बात करें अगर हम केप टाउन की, तो पहले से वहाँ पर स्थिति बेहतर है 2018 से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर पानी को यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारे अंदर, हम जैसे सभी इंसान जिस चीज़ के लिए पे करते हैं, उसको बहुत किफ़ायत यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा मान लीजिए कि जो पानी आपके घर पे आ रहा है, उसका मूल्य आप अभी से चुका रहे हैं। ये सोचकर अगर आप अपने घर पे पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पानी का अच्छी तरीके से कंजर्वेशन कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप पानी को यूटिलाइज़ नहीं करिए, आप पानी को यूटिलाइज़ करिए, लेकिन वेस्ट होने से बचाइए। साउथ अफ्रीका जैसे सिटी जहाँ पर ऐसे स्मार्ट सिटीज़ में प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मीटर्स के थ्रू एक लिमिटेड वाटर सप्लाई सभी के घरों पे की जा रही है, जिससे 2020 में ये जो कमी थी पानी की, उसको दूर किया जा सका। लेकिन ये कमी ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं की जा सकती। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 75% वाटर है, जिसमें से केवल और केवल 2% ही पानी पीने के लायक है, जिसमें 1% ही पानी हमारे लिए यूजफुल है, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी कोशिश करिए कि आप कम से कम पानी को वेस्ट करिए। नहाने के टाइम पे शॉवर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिए, टैप, कार वॉश और जितने भी वेस्टेज ऑफ वाटर हैं, उनमें पानी को बचाइए।